जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया गया है। मुदस्सिर समेत दो आतंकी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो आतंकी ढेर हुआ है उस पर वो दो काउंसलर की हत्या में शामिल था। मुदस्सिर पुलिस पार्टी पर हमले में भी शामिल था। आतंकी मुदस्सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा एजेंसियों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोपोर के ऑपरेशन की, जहां आतंकी को ढेर किया गया है। दो आतंकी के साथ साथ मुदस्सिर, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था, उस आतंकी को ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ढेर किया गया है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मीर फरीद, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मीर फरीद, इस मुदस्सिर की क्या कुछ प्रोफाइल रही थी और क्या कुछ जानकारी इस वक्त इस पूरे ऑपरेशन को लेकर आपके पास? जी, कल रात में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि जो हमलावर, जिन्होंने 2 हफ्ते पहले तकरीबन सोपोर में पुलिस की जिप्सी पे हमला किया था, वही मिलिटेंट जो है उनका हाइडआउट के बारे में उनको इनपुट मिले थे। तो उसी समय चाहे आप पुलिस आर्मी की आप एफ की बात करें, ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और जैसे ही इस सोपोर के एक छोटे ऐसे गाँव में घुसे, तो मिलिटेंट जो अंदर छुपे हुए थे उन्होंने भारी गोलाबारी की। जो फॉरवर्ड पार्टी थी सुरक्षा बलों की, और उसके बाद जो मुठभेड़ चली 6 से 7 घंटे, इनफैक्ट पूरी रात ही मुठभेड़ चली है। और फाइनली 3 जो है मिलिटेंट को मार गिराया गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम जैसे कि आपने कहा मुदस्सिर का था। मुदस्सिर का नाम बाहर आया था सोपोर अटैक में, तब से जो है सुरक्षा बल इसके पीछे लगे हुए थे। न सिर्फ उस अटैक में बट उससे पहले पुलिस सूत्रों का अगर माने, 2 काउंसिलरों को भी इसने मार गिराया था और उससे पहले एक पुलिस वाले को भी मारा था। तो काफी घटनाओं में इसका हाथ था। इससे पहले भी पुलिस इसको ढूंढ रही थी, और लेकिन जब से इसने जो सोपोर अटैक किया दिन दहाड़े एक मार्केट एरिया में पुलिस जिप्सी को अटैक किया, तो तब से पूरी जो सुरक्षा बल की प्रणाली है इसके पीछे लगी थी और फाइनली जो है इसको मार गिराया गया। जी, जो बाकी 2 आतंकी ढेर किए सुरक्षा एजेंसियों ने, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या फिर मरी? जी, उसमें से एक तो लोकल है, इसका साथी था, और दूसरा एक जो है नॉन लोकल पाकिस्तानी कमांडर है लश्कर का, वो भी इसमें मारा गया है। तो एक बहुत बड़ी सफलता इसको पुलिस गिनवा रही है। अभी जो है ऑपरेशन खत्म हो गया, अगर आप गन फाइट की बात करें, तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन इनपुट इन्हीं 3 के बारे में थे। और पिछले तकरीबन 6 से 8 घंटे से मुदस्सिर के पीछे जो है पुलिस लगी हुई थी, सुरक्षा बल लगे हुए थे, लेकिन इसका नाम टॉप लिस्ट में तब आया जब इसने सोपोर का जो है अटैक किया था, और तब से जो है बिल्कुल इसके पीछे, चाहे आप जो खुफिया एजेंसीज ले लें या पुलिस या पी एफ ले लें, सभी इसके पीछे लगे हुए थे। और फाइनली इसको जो है मार गिराया गया है। जो पुलिस है कुछ समय बाद शायद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, क्योंकि डीजी शायद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं अगर नॉर्थ कश्मीर में लश्कर के खिलाफ कार्रवाई की बात करें। यकीनन एक बड़ी सफलता सुरक्षा एजेंसियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस वक्त की अपडेट साझा करने के लिए।